What are different application areas of data mining? In current times, we come across millions of different applications of data mining. जैसे कहा जाता है कि फ्यूचर में वकीलों की जरूरत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारी तरफ से केसेस लड़ेंगे. डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होगी. पेशेंट्स को डील करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगे. ऑटोनोमस कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इससे मुराद क्या है? ऐसी गाड़ियां जिनके लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं. यस, दिस इज अ रियलिटी नाउ कि अब हमारे पास, जैसे अगर हम देखें तो यूएसए की सड़कों पर हमारे पास ऐसी कार्स मौजूद हैं जिनमें ड्राइवर्स नहीं हैं. अमेजोन का रिसेंटली एक स्टोर है जिसके अंदर कोई इंसानी मौजूदगी नहीं है. सेल्समैन की किसी चीज की जरूरत नहीं है. सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है. सिंपल आप गूगल पे सर्च करें अमेजोन ऑनलाइन स्टोर, तो आप एक स्टोर की वीडियो देखेंगे जिसमें ऑटोमेटिकली चीजें आप परचेज कर सकते हैं. वो खुद ही उनकी यानी कि प्राइस वगैरह देते हैं, खुद ही आप उधर चेकआउट कर सकते हैं. सारी चीजें ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं. देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन. ऑल्दो ये काफी ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहां पे सिर्फ दो एप्लीकेशंस का जिक्र करूंगा. नंबर वन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द नंबर टू इज वेब सर्च इंजन. इनको चुनने की या इनको क्यों रीजन क्यों आई कि हमने व्हाई आई चूज दोज एप्लीकेशंस, बिकॉज ये एक ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा और एप्लीकेशंस आ सकती हैं. जैसे अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जो इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है. हमारे बैंक्स, हमारे रिटेल शॉप्स, हमारी डिफरेंट ट्रांजेक्शन आईडीज की प्लेसेस, ये सब के सब जो हैं बिजनेस इंटेलिजेंस पे लाए कर रहे हैं. हमारी स्टॉक मार्केट, लोग क्या करते हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बिजनेस जो है वो हाई है या लो है. वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए जाएं जहां पर बिजनेस हाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, और वहां से बचा जाए जहां पर हमें लॉस का खदशा हो. देन वी हैव डिफरेंट सर्च इंजन. सर्च इंजन से मुराद हमारे पास क्या है कि सर्च इंजन, जैसे हमारे पास गूगल सर्च इंजन है. अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनमें डेटा को बेहतर तरीके से स्टोर करने का रखा जाता है. कि कैसे, आपने नोट किया होगा कि हमारे से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शो की जाती है. लेट से कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर अपने सिस्टम पर कोई लिंक खोलता हूं, लेट से मैं अगर उस्मान गनी लिखता हूं अपना नाम, तो मेरे सिस्टम पे फौरन मेरा ही वो पहला लिंक ओपन करेगा. इफ आई मूव आउटसाइड फ्रॉम हेयर, तो जैसे लेट से कि मैं दुबई में जाकर अपना नाम टाइप करता हूं, तो मे बी उस्मान गनी दैट स्पेसिफिक लोकेशन का जो होगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी. ये कैसे सिस्टम को पता चल रहा है? दीज आर ऑल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो खुद ब खुद ये चेक करते हैं कि आप किस ज्योग्राफिक लोकेशन पे बैठे हो, और उस लोकेशन की बेस पे आपको वो रिकमेंड करते हैं कि यार ये चीजें आप देखें. तो अब इस चीज ने बहुत ज्यादा हमारी कॉमन लाइफ में चेंजेस लेके आया है कि हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स को मैयर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की गई हैं. अब वेब पेज की जब हम बात करते हैं या वेब इंजन की बात करते हैं, तो अब होता क्या कि हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, नंबर वन वो रिट्रीव हो. सेकेंडली क्या है कि वो फौरन फास्ट पेज पे रिट्रीव हो, फास्ट पेस पे, यानी कि फौरन हम टाइप करें और वो हमारे से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आ जाए, हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े. इसके लिए जो चीजें हमारे पास हैं, दैट आर कॉल्ड पेज रैंकिंग, कि हमारे जो डिफरेंट पेजेस हैं उनकी रैंकिंग हमारे रेलिवेंट हो, हमारे ज्योग्राफिक लोकेशन के रेलिवेंट हो, हमारी प्रीवियस क्यूरीज के रेलिवेंट हो, और हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स की पूरी करती हो. सिमिलरली हिट्स एल्गोरिदम. हिट्स से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम कौन कौन से हिट्स करते हैं, सिस्टम जो है वो अपने पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारी रेलिवेंट हिट्स की बेस पे हमें इंफॉर्मेशन शो करते हैं, और ये सब का सब ऑटोमेटेड है. सिमिलरली इन डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस, एक बहुत बड़ा एमर्जिंग फील्ड है, दोज आर कॉल्ड रिकमेंडर सिस्टम्स. रिकमेंडर सिस्टम से मुराद क्या है? ऐसे सिस्टम जो हमें रिकमेंड करते हैं हमारे से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. जैसे लेट से कि मैं यूट्यूब पे बैठता हूं और एक मैं मूवी देखता हूं, अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब को दोबारा ओपन करूंगा तो उससे रेलिवेंट मूवीज मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंड की जाएंगी. मुझे एक पॉलिटिकल प्रोग्राम लेट से पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम उससे रेलिवेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम मुझे दिखाया जाएगा. सिमिलरली फेसबुक की अगर हम बात करें, ट्विटर की बात करें, अगर हम ट्विटर पे अपने ट्वीट्स पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो जैसे ही हम कोई ट्वीट्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर हमसे रेलिवेंट या वो ट्वीट्स जो हमें इंटरेस्टिंग लगेंगे ऑटोमेटिकली रिकमेंड किए जाएंगे.
तो ये रिकमेंडर सिस्टम की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो डेटा माइनिंग का नतीजा है। सिमिलरली वी हैव बास्केट डेटा एनालिसिस। बास्केट डेटा एनालिसिस से मुराद क्या है? जैसे मैं अगर कहीं पर कोई चीज परचेज करने जाता हूं तो बेस्ड ऑन माई फर्स्ट परचेज हमें रिकमेंड किया जाएगा कि दूसरी परचेज क्या होगी। जैसे लेट्स से कि करंट टाइम पे अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं, लेट्स से अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेड, अगर हम ब्रेड बाय करें तो 90% चांसेस हैं कि उसके साथ हम कोई बटर वगैरह परचेज करेंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि ब्रेड के साथ हम कोक ले लेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम कोई आइसक्रीम वगैरह परचेज करें तो हमारा जो बास्केट डाटा एनालिसिस है वो डिफरेंट होगा और हमें आइसक्रीम से रेलिवेंट चीजें शो की जाएंगी। सिमिलरली वी हैव बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डाटा एनालिसिस। इससे मुराद हमारे पास क्या है? जैसे डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस हैं इन डाटा इन मेडिकल डाटा और बायोलॉजिकल डाटा। इससे मुराद क्या है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी हेल्थ से रेलिवेंट है। लेट्स से कि आपके आजकल के मोबाइल्स में हमारे पास मेडिकल हेल्थ की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर मैंने फिक्स किया हुआ है कि मैंने इतने किलोमीटर रोजाना चलना है, तो अब क्या होगा कि मेरा सिस्टम जो है या जो मेरा मोबाइल है वो अपने पास डाटा स्टोर रखेगा कि आज मैंने कितनी वॉक की है, और एंड ऑफ द डे जब मैं स्टैटिक हालत में होऊंगा तो वो मुझे बताएगा कि यार इतनी वॉक आज आपकी पेंडिंग है, इतनी आपको करनी चाहिए थी, इतनी आपने कैलोरीज बर्न करनी थी, इतनी नहीं की, इतनी आपकी फूड की इनटेक थी, एंड सो ऑन। तो ये सब की सब जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डाटा माइनिंग आती है, जिसके अंदर हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, उनकी स्टोरेज, उनका एनालिसिस और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं।